रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश में लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें यूपी की 10 सीटें शामिल हैं। कल तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार थम गया और आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही हैं और चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होंगे और उनमें से 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। 2019 में सपा अपना गढ़ मैनपुरी और संभल ही जीत पाई थी और इस बार बीजेपी को पिछला रिकॉर्ड बचाने की चुनौती है। यूपी की इन 10 सीटों की बात करें तो 1.77 करोड़ से ज्यादा आबादी में सबसे ज्यादा मुस्लिम और ओबीसी मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 81.41 लाख और पुरुषों की संख्या 96.20 लाख है। और अधिक जानकारी के साथ घनश्याम निशान चौरसिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। घनश्याम, जिस तरह से इन 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2019 में 2 सीटें सपा के पास थी, संभल और मैनपुरी, और अब की बार अगर देखें तो कहा यह जा रहा है चार चार सीटें, चार तो सुरक्षित है बीजेपी की, लेकिन 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कहां कौन से समीकरण बैठ रहे हैं, कहां किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, कहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ सपा कहां से सीटें गेन कर सकते हैं इन 10 में से, 2 तो उसके पास पहले से थी। देखिए, संभल की बात करें तो संभल और मैनपुरी इन 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी का जो है प्रत्याशी जीता था पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में। बाकी जो 8 सीटें हैं, 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहा है। या देखिए, अगर पूरे समीकरण उत्तर प्रदेश के समीकरण की बात करें तो दीपक, आपको पता है कि अधिकतम सीटें जो हैं वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही हैं। बावजूद जो सीटें हारी थी भाजपा ने, हारी हुई सीटों को 2019 के बाद से ही स्क्रूटनी करके उसको उस पर तैयारियां करना शुरू कर दिया था। वहां पे पर्यवेक्षक बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पर्यवेक्षक के अलावा भी वहां पे कई तमाम पदाधिकारियों को इस बाबत लगाया गया था कि जो हार मिली थी, हारी हुई सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी में हार मिली थी, वो कितने वोटों से मिली थी, किन किन बूथों से मिली थी, क्या कारण रहा है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कवायद की जा सकती है, मोदी से कितना संतुष्ट है लोग, उत्तर प्रदेश की योगी से कितना संतुष्ट है, ऐसे तमाम सवालों को लेकर के उनके जो पर्यवेक्षक थे वो पर्यवेक्षक हारी हुई सीटों पे लेकर के जा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का जो अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल को अगर छोड़ दिया जाए तो एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। मैनपुरी अगर छोड़ दिया जाए तो एटा और इटावा का जो परिक्षेत्र है, जो समाजवादी पार्टी का महागढ़ माना जाता है, ये माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव अगर वहां पे किसी को भी उतार दे, अपने नौकर को भी उतार दे, तो वो जीत जाता है। उसके बावजूद वहां से समाजवादी पार्टी को हार मिली थी मैनपुरी को छोड़ करके। तो मैनपुरी और संभल को छोड़ करके समाजवादी पार्टी एक भी सीट इन 10 सीटों में नहीं जीत पाई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि वो अपने जो ऐतिहासिक जीत बनाई हुई थी उसको बरकरार रखने की चुनौती है। इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल 1-2 सीटों पर दिखाई दे रहा है, उसका जिक्र अभी करेंगे, वहां पे उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से नए प्लान के तहत, नए विजन के तहत, नए इनके अपने घोषणा पत्र के तहत उनको अपने पाले में लाना है, ये चुनौती है। वहीं पे समाजवादी पार्टी जो अपना गढ़ खो चुकी है 1-2 सीटों को छोड़ करके, उस गढ़ को वापस पाने की कवायद में लगी हुई है, उसकी भी चुनौती है। तो चुनौतियां दोनों लोगों के लिए हैं। मिशन 80 भाजपा मिशन 80 को लेकर के चल रही है, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश अगर नहीं साध पाए तो दिल्ली का रास्ता बेहद ही मुश्किल हो जाएगा, चाहे देश भर में कितना भी सीटें जीत ले। और इतना आसान नहीं है, अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सीट अगर उत्तर प्रदेश से है, बिहार में, उत्तराखंड, जो आसपास के हिंदी भाषी क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक तरफा वर्चस्व होता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी फूंक फूंक करके कदम रख रही है। पिछले 2 दिनों से आपने देखा कि 2 बड़े रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दिए, एक कानपुर जो कभी भी नहीं कानपुर में नरेंद्र मोदी ने किया था, और दूसरी तरफ जो है अयोध्या में भी रोड शो करते हुए नजर आए। और 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार वो अयोध्या के दौरे पे थे। कानपुर में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, वहां पे अगर देखा जाए तो सिखों की तादाद बहुत ज्यादा थी,
सिख वहां पे नाराज थे। 2023 में एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने एक सिख को इतना ज्यादा मारपीट दिया था कि उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। वहां के सिख रोड पे निकल उतर पड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया था, जनसभा अभी तक करते हुए नजर आते थे नरेंद्र मोदी। लेकिन वो बड़े संजीदा होते हैं। नरेंद्र मोदी का जो प्रचार करने का तरीका है, जो लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका है, जो समीकरण साधने का तरीका है, वो शायद सबसे अलग बनाता है। यही कारण था कि जनसभा अगर नरेंद्र मोदी करते कानपुर में तो लोगों को जनसभा तक लाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास होती, नरेंद्र मोदी के पास होती, जो नाराज सिख नहीं जाते। इसलिए नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया कि हम उनके द्वार पे जाएंगे, यानी जिनको ला नहीं सकते उनके घर वो खुद जाएंगे। यही कारण रहा कि सबसे ज्यादा जगरकट्टी से लेकर के जो जगरकट्टी बस स्टैंड से लेकर के गुरुद्वारे तक, और उन्होंने गुरुद्वारे पे माथा टेका और लोगों के द्वार पे रोड शो के जरिए लोगों के द्वार पे गए, यानी उनको बुलाने की जरूरत नहीं थी, उनको मनाने की कोशिश की। तो एक एक कदम बड़ा फूंक करके भारतीय जनता पार्टी, यहां तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरे चरण में पांच सीटों की अगर बात करें तो पांच यादव को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। यादव जो वोटर है उस पर एक तरफा ये माना जाता है कि एक तरफा कब्जा समाजवादी पार्टी को होती है। पांच टिकट दी है, पांचों अपने परिवार से दी है समाजवादी पार्टी ने, और उस पांच में से तीन जो प्रत्याशियों की किस्मत जो है इस बार तीसरे चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी मैनपुरी है, मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जो दोबारा संसद बनने के लिए उस कवायद में दोबारा चुनाव लड़ रही है मैनपुरी से। दूसरा अक्षय यादव है, तीसरा अक्षय यादव फिरोजाबाद से, तीसरा जो है आदित्य यादव है बदायूं से। ये तीन यादव परिवार के तीन यादव ऐसे हैं जिनके किस्मत की पोटली जो है ईवीएम की पोटली में किस्मत बंद होगी, मतदाता करेंगे। तो ऐसे में बेहद दिलचस्प यह होगा कि इनको जो है चुनौती किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हालांकि अगर फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में एंटी इनकम्बेंसी का जो है और अंदरूनी कुछ कलह को लेकर के झेल रही है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा समीकरण भी बता दें आपको। ये जो 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 1.77 करोड़ तकरीबन मतदाता हैं, जिसमें से मुस्लिम 35 से 36% हैं, और दलित आबादी अगर बात करें तो 13 से 14% हैं, ओबीसी 28 से 29% हैं, और अन्य की अगर बात करें तो 4 से 8% हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा है तो ओबीसी और मुस्लिम हैं। तो ऐसे में ओबीसी के वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद कर रही है, और उसमें लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मोदी ने बोला कि ओबीसी के आरक्षण में दूसरे धर्म के लोगों को, और खासतौर पर उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया मंच से, कि मुसलमानों को हम घुसने नहीं देंगे जिस तरीके से कांग्रेस ने अन्य राज्यों में की है, वो इनके इस मसूबों को हम जो है फलीभूत नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी का ये जो भाषण है वो जो दो सबसे ज्यादा मतदाता है, चाहे वो मुस्लिम 35-36% हो, ओबीसी 28-29% हो, उसमें ओबीसी को अपने पाले में लाने की ये कवायद से होते हुए दिखाई दे रहा है, जो तीसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदाता के तौर पर मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में इन सब सारी समीकरणों को देखा जाए तो 81.41 लाख महिला मतदाता है, और 96.20 पुरुष मतदाता इस मतदान में भाग लेंगे, मतदान करेंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इन सभी समीकरण को साधने के लिए हर वो कवायद अभी तक की है। प्रचार थम गया है, आज डोर टू डोर प्रत्याशी कैंपेनिंग कर सकती है। बाहरी जो प्रचारक हैं वो उस क्षेत्र से, परिक्षेत्र से, लोकसभा परिक्षेत्र से हटा दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। ऐसे में जो स्टार प्रचारक के अलावा जो उनके जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेन करके कल के लिए वोट मांग सकते हैं। तो तैयारियां लगभग चुनाव आयोग ने भी पूरी कर ली है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दीपक जौनपुर से। जौनपुर ने मायावती ने एक बड़ा जो है डिसीजन ले लिया है, एक बड़ा निर्णय ले लिया है। जौनपुर की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है मायावती के इस उलटफेर के चलते। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट मायावती ने काट दिया है। बीते रात जो है देर रात 1 बजे श्याम सिंह यादव, जो पहले श्रीकला रेड्डी के पहले प्रत्याशी बसपा से घोषित किए गए थे, उनको फिर से बसपा ने टिकट दे दिया है। श्याम सिंह यादव ने अभी हाल ही में कुछ लोगों से बातचीत करते हुए, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि देर रात 1 बजे मायावती जी का फोन आता है, वो कहती हैं कि क्या आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, तैयार हैं,
श्याम सिंह यादव कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं, वो कहती हैं कि उनका टिकट काटा जाता है, आपको फिर से जौनपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा और इसी के साथ श्रीकला रेड्डी को टिकट काट करके श्याम सिंह यादव को फिर से बसपा ने जब जब धनंजय सिंह जेल से छूटे थे तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और सपा का पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा क्योंकि धनंजय काफी बाहुबली और अच्छा उनका इस इलाके में अच्छा वर्चस्व है, तो ये कहा जा रहा था कि उनकी पत्नी डेफिनेटली जीतने वाली है, पूरा गेम चेंजर साबित हो गया अगर वो जेल से बाहर आ गए हैं तो। और उन्होंने जेल से बाहर आते मीडिया से बोला था मैं सीधा सीधा चुनाव प्रचार में लग जाऊंगा अपनी पत्नी के लिए, लेकिन यहां तो उलट हो गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो धनंजय के जो समर्थक है दीपक, वो धनंजय के समर्थक लगातार ये बात सोशल मीडिया में लिखते रहे, मीडिया कर्मियों के सामने जब तमाम तरीके के कार्यक्रम जब उस लोकसभा क्षेत्र में होता रहा वो कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी धनंजय सिंह से डर गई थी इसलिए उनको जेल भेजवा दी षड्यंत्र के तहत। ये लगातार धनंजय सिंह के जो जो समर्थक रहे हैं वो ये बोलते रहे, इस बाबत को बड़ा तेजी से आग की तरह फैलाया गया और उसके बाद उनको 7 साल की सजा होती है, वो जेल जाते हैं, हाईकोर्ट से वो उनको स्टे मिलता है, उनके सजा पर रोक लगती है और वो बाहर आते हैं। इसी बीच उनके बाहर आने के पहले जेल में जब वो होते हैं तो मायावती श्रीकला रेड्डी को टिकट देती हैं, वो 1 तारीख को वो नामांकन भी बसपा के टिकट पर कर चुकी हैं। उसके बाद इस तरीके की उलटफेर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मायावती और धनंजय सिंह के बीच में ऐसा कौन सा समीकरण और कौन सा तालमेल बिगड़ा कि ये जो इतना बड़ा डिसीजन मायावती ने लिया था वो उस सीट के लिए वो फिर से अपना रिवर्स बैक करते हुए यू टर्न लेते हुए श्याम सिंह यादव को टिकट लेती है। तो अगर देखा जाए तो वो लगातार सक्रिय भी हुए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि वो धनंजय सिंह जब बाहर आए तो वो कहे कि हम प्रचार चुनाव प्रचार में लगेंगे, वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की श्रीकला रेड्डी। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो पर्चा खारिज होता है फिर से क्या वो निर्दलीय हुंकार भरेंगे या फिर बगावत करेंगे भी तो किसके खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ही करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब बसपा से टिकट मिला था, बसपा से भी हटा दी गई, उसके बाद वो बसपा से बगावत करेंगे तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। वहां पर अगर देखा जाए बाबू सिंह कुशवाहा का समीकरण बेहद ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि कुशवाहा यादव और मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में है, अगर वो थोड़ा सा भी अगर जो है बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ झुकाव होता है तो बसपा और भाजपा दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। और इसी में ये जो उलटफेर हुआ है दीपक वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार यहाँ पे धनंजय सिंह की तरफ से कुछ लूप होल हुआ है कि या फिर मायावती ने कोई समीकरण में आखिर क्या क्या निर्णय रहा होगा, अगर क्या मामला रहा होगा कि इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत पड़ी। जी दीपक जी ठीक है, घनश्याम तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।